चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज दिल्ली के रण में पीएम मोदी और प्रियंका गांधी की सियासी लड़ाई की। पीएम मोदी की रैली है आज दिल्ली में, तो वहीं प्रियंका गांधी का रोड शो होना है और शाम को रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सीलमपुर और दक्षिणपुरी में प्रियंका गांधी का रोड शो प्रस्तावित है। 12 मई को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लोकसभा के लिए वोट डाले जाने हैं और उससे पहले आज दिल्ली में सियासी दंगल देखने को मिलेगा। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल अनुराग जी, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते चलें, तस्वीरों के साथ साथ बताते ये भी चलें कि मेगा शो है आज दिल्ली में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी को लेकर जो लोग हैं एंट्री के लिए, वो बाहर उनकी बड़ी संख्या है इस वक्त रामलीला मैदान में। और इकलौती और पहली रैली प्रधानमंत्री की आम चुनाव को लेकर दिल्ली में, ऐसा भी बताया जा रहा है। और लोग कुछ उत्साहित पहुंचे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। कहाँ से आए भैया जी? उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से जी। ये क्या लाए हो साहब? जी, ये मोदी जी की योजनाएं हैं जिन्होंने जो 5 सालों में की हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूर। उत्साहित जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, एक ये पीछे आप देख सकते हैं अनुराग जी कि दिल्ली में रामलीला मैदान के जो क्लेवर, जो फ्लेवर और जो कलर्स होंगे वो अपने आप देखते ही बनते हैं। इसी तरह से मंडल अध्यक्ष, जो 272 मंडल अध्यक्ष हैं, हर किसी को 1000 लोग लाने की जिम्मेदारी बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि दी गई थी, ताकि शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से और भारी भीड़ जो है उसके भी इंतजाम किए जाए। लोकल नेता जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की जिम्मेदारियां, क्या उम्मीद, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, क्या चल रहा है? देखिए, पिछले लगभग एक हफ्ते से यहां पर सारी तरह की तैयारी चल रही है पूरे रामलीला मैदान में। खास करके व्यवस्था में सबसे बड़ी चीज है कि बसों के द्वारा लोग, जो कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने मोदी जी से मिलने का एक जोश है, उन लोगों को प्रॉपर तरीके से यहां लाया जाए। उनके लिए पानी की व्यवस्था और उनके लिए जो यहां पर रिफ्रेशमेंट है वो पूरी व्यवस्था हो। लगभग 5 लाख से, अगर इकलौती रैली से अगर हम बात करें उत्साह की, 7 सीटों में 12 तारीख को चुनाव है, तो उत्साह किस तरह का बनेगा प्रधानमंत्री के ये भाषण का? देखिए, उत्साह पहले से ही है, सिर्फ लोगों में ये देखना है कि क्या ये वही मोदी हैं। मोदी जी दिल्ली में रामलीला मैदान में इसलिए आ रहे हैं कि दिल्ली की जनता देखना चाहती है कि पिछले 55-60 साल बनाम 5 साल में क्या ये वही मोदी हैं या वही शख्स हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में इस तरह से विकास करके दिखाया है, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों के। लेकिन सूरज, जरा बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं से थोड़ा ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आज दिल्ली में जो सियासी दंगल है, वहां नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए खुद प्रियंका गांधी सड़क पर उतर रही हैं। रोड शो है प्रियंका गांधी का दिल्ली में। कांग्रेस प्रियंका गांधी किस तरीके से चुनौती देती नजर आती है बीजेपी को, या कहिए नरेंद्र मोदी को? अब बिल्कुल ये कार्यकर्ताओं से जान लेते हैं। प्रियंका गांधी भी आज दिल्ली में है, रोड शो है उनका, तो प्रियंका गांधी किस तरह से चुनौती बन सकती हैं? जी नहीं, मोदी जी के सामने किसी की कोई चुनौती नहीं है, वे अकेले हैं और अकेले अपने दम चुनौती नहीं मानते। आज रोड शो भी है प्रियंका गांधी का दिल्ली में, इधर रैली भी है, तो कहां चुनौती लग रही प्रियंका? देखिए सर, एक नामदार को इस देश ने देख लिया है, राहुल गांधी को, अब दूसरा नामदार जो है ये देश नहीं झेल सकता, प्रियंका गांधी कोई टक्कर ही नहीं है सर, सवाल ही पैदा। क्या मानते हैं, है चुनौती? क्योंकि चुनौती नहीं है। देखिए, ये तो दिख गया था जब 26 तारीख को जब मोदी जी वहां से अपना नॉमिनेशन भरे और उसके पहले राहुल गांधी जी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, वहां से नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, तो हमने पहले भी देख लिया है। तो हो ही है, रोड शो कैंसिल नहीं हो रहा है? नहीं, रोड शो होना अपने आप में ठीक है, उनको भी प्रचार करने का अधिकार है, लोकतंत्र है, लेकिन उससे हमें कोई फाइट नहीं है। कांग्रेस कोई बड़ी चुनौती नहीं है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, ऐसा मानना है। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के रोड शो का भी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, आगे आपसे जुड़ेंगे, तमाम अपडेट।